सांख्य दर्शन की 13वीं कक्षा। पिछली कक्षा में हमने अंतिम सूत्र देखा था 119वां। इसमें एक शंका प्रकट की गई थी और वो शंका सत्कार्यवाद को ध्यान में रखते हुए प्रकट की गई थी। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सिद्धांत है और इसके द्वारा वो ये कहना चाहते हैं कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कुछ भी नहीं था, शून्य था, ऐसा नहीं है। कार्य मतलब उत्पन्न द्रव्य, वो उत्पन्न होने के पहले कुछ भी नहीं था ऐसा नहीं है, उसका अस्तित्व था। कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई है उससे पूर्व भी कुछ सत था, अस्तित्व में था, ये सत्कार्यवाद है। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि कार्य किस रूप में था। कार्य यानी उत्पन्न वस्तु उत्पत्ति से पूर्व किस रूप में थी, वो कारण रूप में थी। अभी कार्य रूप में है, पहले कारण रूप में थी, लेकिन फिर भी वस्तु तो थी, ये मान करके ये प्रश्न किया गया कि वस्तु तो थी फिर भी। बोले जब वस्तु थी तो फिर आप ये इसकी उत्पत्ति क्यों कहते हैं, जब कार्य वस्तु पहले भी कारण में विद्यमान थी तो इसकी उत्पत्ति क्यों बोलते हैं आप। इसलिए 19वें सूत्र में ये बात रखी थी कि भावे भाव में यानी उपादान कारण में भाव योग, भाव यानी कार्य का यदि योग है तो, कारण में यदि कार्य विद्यमान है तो चेतना वाच्यम आपको इसकी उत्पत्ति नहीं कहनी चाहिए थी। आप उत्पत्ति शब्द का व्यवहार तो कर ही रहे हो तो ये आपके पक्ष में उत्पत्ति नहीं घटती है। असत्कार्यवाद में उत्पत्ति घटेगी क्योंकि असत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, कार्य द्रव्य नहीं था। कारण का निषेध वो भी नहीं करते, घड़ा मिट्टी से बना है तो घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था ये कह रहे हैं, मिट्टी नहीं थी ये नहीं कह रहे हैं, घड़ा नहीं था। और सत्कार्यवाद ये कह रहा है कि घड़ा उत्पन्न हुआ है तो वो सत से उत्पन्न हुआ है, विद्यमान से हुआ है किसी से, वो भले ही कारण रूप में था, शून्य से नहीं हुआ है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति की सत्कार्यवाद की पूरी ठीक बात को न समझते हुए इस रूप में आक्षेप करता है कि यदि कार्य यानी घड़ा पहले से मिट्टी में विद्यमान था तो फिर घड़े की उत्पत्ति की बात आप क्यों कह रहे हो, वो तो मिट्टी में था ही पहले से, ऐसा उस पर आक्षेप किया था 119वें सूत्र में। तो इसका उत्तर अब 120वें सूत्र में दिया जा रहा है। बोलेंगे न अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ। न के बाद में एक अल्प विराम ले लेंगे एक पाक के पास, न नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि आपको ये उत्पत्ति नहीं कहनी चाहिए, तो बोले कि नहीं क्यों नहीं कहनी चाहिए, कहनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो न से न माने नहीं, पूर्व पक्षी की बात का निषेध किया, ये एक बात पूरी हो गई न। अब उसका समाधान कर रहे हैं कि ये जो व्यवहार और अव्यवहार है, व्यवहारा व्यवहारो, व्यवहार और अव्यवहार किसका, उत्पत्ति का व्यवहार और उत्पत्ति नहीं हुई है इसका व्यवहार। उत्पत्ति का व्यवहार कि ये वस्तु उत्पन्न हुई है और ये वस्तु उत्पन्न हुई है इसका व्यवहार न करना यानी न बोलना, न कथन करना। जब वस्तु उत्पन्न होती है तो उसका व्यवहार होता है कि ये उत्पन्न हुई है, बोलने का व्यवहार कथन, और जब वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है तो ये नहीं कहा जाता कि उत्पन्न हुई है, ये उत्पन्न होने का अव्यवहार हुआ यानी उत्पन्न होना नहीं कहते। तो ये जो व्यवहार और अव्यवहार है ये अभिव्यक्ति निबंधन अभिव्यक्ति के कारण से है,
हम इसको उत्पत्ति अनुत्पत्ति कह रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा तात्पर्य क्या है, अभिव्यक्ति का है, प्रकट होने का है, कि मिट्टी से घड़ा प्रकट हो गया, नितांत नई चीज उत्पन्न नहीं हुई है, प्रकट हो गया है। पहले मिट्टी पिंड के रूप में थी, एक लौंदे के रूप में थी, अब वही मिट्टी घड़े के रूप में आ गई है, कोई नई चीज उत्पन्न थोड़ी ना हुई है, केवल इस रूप में अभिव्यक्ति हो गई है। तो बोले अभिव्यक्ति के आधार पर ही ये हम प्रयोग करते हैं, कौन सा, व्यवहार या अव्यवहार, उत्पत्ति का व्यवहार करना या उत्पत्ति का व्यवहार ना करना। तो हम भले ही एकदम नए तत्व की उत्पत्ति नहीं मानते हो, लेकिन अभिव्यक्ति तो हम मानते ही हैं, अभी ये अभिव्यक्त हुआ है, ये अभी अनभिव्यक्त है, तो इस दृष्टि से ये उत्पत्ति अनुत्पत्ति का व्यवहार या अव्यवहार संगत होता है, अभिव्यक्ति तो हम मानते ही हैं। हो गया यहां तक। अब आगे 121वां सूत्र, इसकी पृष्ठभूमि पीछे से देखेंगे, पीछे 111 और 112वां ये सूत्र। तो 111वें में वादी ने यानी पूर्व पक्षी ने सब कुछ शून्य है ये कहा था, क्योंकि विनाश वस्तु का धर्म है, विनाश हो गया तो शून्य हो गया, तो इसका एक पक्ष का उत्तर तो 112वें सूत्र में दिया था कि तथापि एकतर दृष्टिया, एकतर दृष्टि से आप शून्य कह रहे हो अभी तात्कालिक रूप से मान के चले थे, लेकिन दूसरी दृष्टि से यानी उत्पत्ति की दृष्टि से तो आप कारण की सत्ता का अपलाप खंडन नहीं कर सकते। तो जो एकतर दृष्टि को उस समय थोड़ी देर के लिए मान लिया था सिद्धांति ने कि वस्तु का विनाश हो जाता है तो इसलिए वो शून्य होती है, पूर्व पक्षी ने यही कहा था, शून्यम तत्वम विनाश धर्मत्वात् वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य, तो विनाश वस्तु का धर्म है इसलिए शून्य वस्तु है, उसके एक भाग को थोड़ी देर के लिए मान लिया था क्योंकि उसके वस्तु तत्व का खंडन करना था, वो तो उत्पत्ति से भी हो जाता है, विनाश वाली बात को छोड़ भी दें तो उत्पत्ति से भी उसका खंडन हो रहा था, तो वो उसने कर दिया था। अब जो पूर्व पक्षी ने विनाश वाली बात कही थी कि वस्तु का विनाश हो जाता है इसलिए वो शून्य हो जाता है, उस बात को उठा करके इसका समाधान कर रहे हैं 121वें सूत्र में। सूत्र बोलेंगे नाशः कारणलयः, जिसको आप नाश कह रहे हो कि वस्तु का नाश हो जाता है, विनाश वस्तु का धर्म होता है इसलिए शून्य है, तो बोले नाश और कुछ नहीं है, वस्तु की समाप्ति नहीं हो जाती है, शून्यता नहीं हो जाती है, नाश का मतलब है कारण में लीन हो जाना। वो कार्य वस्तु जिन तत्वों से बनी थी, उसका जो उपादान कारण है वो उसका जो उपादान तत्व है वो उसका कारण है, तो कार्य वस्तु वापस उसी में लीन हो गई, बस यही नाश है, वास्तव में शून्य नहीं होता है। भाव का कभी अभाव नहीं होता, ये इसके पीछे का सिद्धांत है, भाव का कभी भी अभाव नहीं होता, दिखाई हमें यही देता है, लकड़ी थी और उसको जला दिया, समाप्त हो गई, राख बची थोड़ी सी और वो भी उड़ा दी और वो कर दी तो वो भी चली गई, हम वस्तु को नष्ट हो गई माने समाप्त हो गई ये तात्पर्य लेते हैं, वो कार्य रूप में अब नहीं है, कार्य रूप में समाप्त हुए लेकिन उसका कारण कभी भी समाप्त नहीं होता, वो केवल अपने कारण में विलीन हो गई है। घड़ा यदि टूट जाता है तो वो टुकड़ों में मिट्टी के रूप में आ जाएगा, लेकिन मिट्टी तो रहेगी, घड़ा समाप्त हो गया लेकिन कारण तो रहेगा, तो नाश जब भी होता है वो केवल कारण में विलीन होता है, वो तत्व विघटित होता है, केवल विखंडित होता है, इतना ही मतलब है, शून्य तो है ही नहीं, जैसा कि पूर्व पक्षी प्रतिपादित कर रहा था। तो नाशः कारण लयः एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो वस्तु है, मैटर है, उसकी समाप्ति कभी भी नहीं हो सकती, उसका परिवर्तन तो हो सकता है
लेकिन अभाव शून्य कभी नहीं हो सकता। ये दर्शन में भी प्रारंभ से, यानी ये तो वेदों की बातें हैं, ऋषियों ने पहले से इस बात को समझा हुआ है। तो नाश का मतलब केवल कारण में विलीन होना होता है, वस्तुतः कुछ भी नष्ट नहीं होता। दीपक का घी या तेल जल करके समाप्त हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, समाप्त हो गया, वो भी अपने कारण में विलीन हो जाता है। मोमबत्ती जलती है तो जल के उसका मोम समाप्त होता जाता है, लगता है कि चला गया, लेकिन उड़ करके कुछ वातावरण में चला जाता है, कुछ अग्नि में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है, कार्बन में बदल जाता है, केवल रूपांतरण हो रहा है, ये ही नाश है। तो नाशः कारणलयः है, ये सभी वैदिक दर्शनों का ये मूल एक सिद्धांत है। कुछ नमस्ते आचार्य जी, तो इसमें ये भी फिर कह सकते हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद उसका विनाश नहीं होता, बिल्कुल वो भी विलीन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यही बात है। तो आत्मा के लिए फिर क्या कहेंगे? आत्मा के लिए, आत्मा का तो कारण में लय ही नहीं होता, उसका कोई कारण ही नहीं है। नहीं, उसके लिए फिर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, वो तो नित्य है। अब जैसे घड़ा मिट्टी में मिल गया, शरीर जल के मिट्टी में मिल गया, लेकिन शरीर तो नहीं रहा ना, अभी घड़ा तो नहीं रहा। पुस्तक फाड़ दी, वो टुकड़े टुकड़े होके फेंक दी, कागज फट गए, ले पुस्तक तो समाप्त हो गई, कागज नहीं हुआ, पुस्तक तो नहीं रही ना। आत्मा के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि आत्मा टुकड़े टुकड़े हो गई या जल गई, बिखर गई और अब आत्मा नहीं रही, वो अपने कारण रूप में आ गई, ऐसा नहीं, उसका कोई कारण ही नहीं है। नष्ट वो वस्तु होगी जो बनी है, और जो वस्तु बनी है वो अनेक अणुओं के मिलने से ही बनती है, उसके जो मूल घटक हैं उनके मिलने से बनती है। कोई भी वस्तु संयोग होता है अनेक तत्वों का, और जब नाश होता है तो उन्हीं उसी संयोग का विघटन हो जाता है, जो संगठन था, समूह था, संयोग था, वो बिखर जाता है, कारण इधर उधर हो जाते हैं, तो नाश हो गया। अब मकान को तोड़ देते हैं, नष्ट हो गया, भूकंप आके सारे मकान नष्ट हो गए, अब यूं तो सारा मलबा नीचे पड़ा ही है ना, सीमेंट चीजें सारी चीजें नीचे पड़ी हैं, कहीं गई थोड़ा ना है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नाश हो गया, उसके संयोग का ही तो विघटन हुआ है, संयोग ही तो हट गया, वो चीज उस रूप में नहीं रही, अपने उसमें जितना भी है कारण में हो गई, और उसको छोटा कर देंगे तो और अपने कारण में चली जाएगी। तो ये भी जो सारा संसार है, कार्य जगत है, जब प्रलय होती है तो ये जो नष्ट होता है इस रूप में नहीं कि वो समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, वो केवल अपने कारण में विलीन होता है, विघटित हो जाता है छोटे छोटे कणों में, और अंततः सत्वर स्तंभ की स्थिति में पहुंच जाता है, अभाव नहीं होता है। इसीलिए नासरीय सूक्त में जो आता है, ना सदासीत नो सदासीत, न असत्था न सत्ता, असत भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कारण रूप में तो विद्यमान है वो वहां पर, और क्या न सतासित सत भी नहीं था उस समय, तो सत नहीं था मतलब ये कार्य रूप में नहीं था, जो कार्य जगत हमें दिखाई देता है सत्तात्मक, वो वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं सत नहीं था। लेकिन क्या सत नहीं था तो असत होना चाहिए फिर, तो सत का विपरीत तो असत ही है। बोले न असतासित, असत भी नहीं था वो, अभाव भी नहीं था, शून्य भी नहीं था। ना सदासीत नो सदासीत नासीत रजो नो व्योमा परोयत, जो नासरीय सूक्त है ये सृष्टि का, रचना का और प्रलय अवस्था का उसका वर्णन है इस सूक्त का। सृष्टि रचना विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी महर्षि ने इनको दिया है मंत्रों को, तो इसलिए ये विचित्र स्थिति है। हम इसको विरोध नहीं कहेंगे कि एक तरफ वो कह रहा है कि असत नहीं था और दूसरी तरफ कह रहा है सत भी नहीं था, तो भाई न तो सत था न असत था, तो उनसे भिन्न क्या था, ये नई विचित्र चीज थी क्या? तो सत और असत से भिन्न तो कोई चीज होती नहीं, यहां भी सूत्र आया था ना, ये पूर्व पक्षी कहे कि नहीं ये अभाव न तो वस्तु रूप है अविद्या और न सतरूप है, सतरूप मानोगे तो ये दोष आएगा, विजातीय द्वैत की आपत्ति आएगी, असत मानोगे तो असत से तो कोई वस्तु बनती नहीं है। तो उसने कहा था कि मैं सत और असत से भिन्न कोई तीसरी चीज मान लूंगा, तो कहा कि ये सत और असत से भिन्न ये विचित्र वस्तु तो उपलब्धि नहीं होती है कोई ऐसी, तो इसलिए वो भी नहीं मान सकते आप। अब जब वेद मंत्र में आया न सत आसीत न असत आसीत,
प्रलय अवस्था में। अब ये परस्पर विरोध नहीं है, सामान्यतया देखेंगे तो विरोध लगेगा, ये क्या विचित्र बात है, इनको पता ही नहीं है कि एक तरफ कह रहे हैं सत नहीं था, एक तरफ कह रहे हैं फिर असत भी नहीं था, तो था क्या, दोनों तो निषेध कर दिए, तो क्या था, या तो इनको पता नहीं है, उलझे हुए हैं, ऐसा समझेंगे। लेकिन ये एक काव्य की भाषा है, दृष्टि उसके अंदर है, क्या न सत आसीत, ये जो सत सत्तात्मक कार्य जगत हमें अभी दिखाई दे रहा है ये उस समय नहीं था, हम उसको जान नहीं सकते, हमारे द्वारा जानने योग्य कुछ नहीं था वहां पर सामान्य आत्माओं के द्वारा, न सत आसीत। पर कोई ये ना समझ ले कि सत नहीं था तो असत था, शून्य हो गया था, इसलिए कहा न असत आसीत, असत भी नहीं था, इसको शून्य भी मत समझ लेना, क्योंकि नाशः कारण लयः, नाश हुआ है तो कारण में लीन हुए हैं, कारण तो फिर भी वहां पर है, सत्ता तो फिर भी वहां पर है, पर इस रूप में नहीं है, इसलिए सत नहीं था। अब मकान नष्ट हो गया तो कहे कि भाई अब तो कुछ भी नहीं रहा वहां पर, मतलब कुछ भी नहीं रहा तो मतलब कुछ भी नहीं रहा, ऐसा कोई सोच लगे, नहीं ऐसा मत बोलो कि कुछ भी नहीं रहा, मलबा तो अभी भी है वहां पर, कुछ पहले से तैयार किया कि। और इसको चलाना सब, चलाना सब सीख ले, बार बार दूसरों की सहायता नहीं, स्वतंत्र होना चाहिए, इसको समझ लीजिए कैसे चलता है, बाद में बता देना। पूछिए जी। आचार्य जी प्रणाम, क्या यह समझा जाए कि नासदीय सूक्त जो है वो इसका आधार है? बिल्कुल कह सकते हैं, सारे दर्शनों का आधार वेद ही है, नासदीय सूक्त की बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन सारा का सारा जो का तो नासदीय सूक्त में हो ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो मूल सिद्धांत है, भाव का अभाव नहीं होता और अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, ये अटल सिद्धांत है, ये वेद का भी है और भी हमारी पूरी वैदिक परंपरा में ये अटल सिद्धांत है। जी धन्यवाद। आचार्य जी, ये जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जो गोल्ड पार्टिकल जैसे बताया गया है, तो सत्वरजतम या नास्तिक सूत्र में जो आया है ये वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए गोल्ड पार्टिकल के माध्यम से, या सत्वरजतम वही है जो नास्तीय सूक्त में इसका कारण बताया गया सृष्टि उत्पत्ति का? नहीं देखिए, वो मूल कारण तक पहुंचे हैं ऐसा नहीं कह सकते, अभी खोज चल रही है, आज जो जिसको अंतिम मानेंगे कुछ वर्षों बाद में उससे भी छोटा कुछ मिल जाएगा तो कहेंगे कि नहीं अब ये अंतिम है, और आज उनके अंतिम को हम अंतिम मान लें कि हाँ ये ठीक है, और फिर वो एक और अंतिम खोज देंगे उससे आगे चलेंगे, तब क्या करेंगे, मुश्किल होगी ना, तब ऐसा हमारे साथ हुआ भी, जो कुछ दशकों पूर्व 30-40-50 दशकों पूर्व जो व्याख्याकार थे दर्शनों के, वैदिक दर्शनों के, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिद्धांत आया तो बहुत प्रसन्न हुए कि देखो हमारे दर्शन और ये बातें सिद्ध हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ भी तीन ही चीजें मानी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तीन ही थे, ये हमारे यहाँ देखो तीन चीजें मानी गई, जो प्रोटॉन है वो सत्व गुण है, आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर घूमता है, गति वाला है, क्रियाशील है, ये रजोगुण है, लक्षण सारे घट रहे हैं उसमें, और जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रल है वो तम है, स्थिर रहता है, बस पड़ा है वहां पर यूं ही, बहुत अच्छी संगतियां लगाई हुई हैं, आप उस समय की पुस्तकें देखेंगे आपके पास भी हैं, इस पुस्तक में जिसको पढ़ रहे हैं आप उसमें भी वो संगति लगाई है, लेकिन थोड़ा सा बच गए हैं वो भी, कि केवल थोड़ी सी तुलना की है, तो उस समय यूं सोचा करते थे कि ये बिल्कुल सही संगति बैठ गई है, तो अगर मान भी लें उसको तो इसका मतलब है हमारे प्राचीन ऋषि सत्वरजतम तक पहुंचे थे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, और अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी पीछे पहुंच गए, तब या तो ये मानिए कि हमारे ऋषि वहीं तक पहुंचे थे, इससे पीछे तक उनको पता ही नहीं था,
हमारी तरफ से ये घोषणा है कि सत्वरस्तम सबसे अंतिम मूल अविभाज्य कण है, अनादि तत्व है, नित्य है, अखंडनीय है। अब उसका भी विखंडन कर दिया तो या तो वैज्ञानिक इतने शक्तिशाली हैं कि वो नित्य को भी तोड़ देते हैं, या हमारे प्राचीन ऋषि जहां तक पहुंचे थे उससे पीछे वो गए ही नहीं थे, वैज्ञानिक आज उससे भी पीछे पहुंच गए। क्या कहेंगे, जितनी प्रशंसा का सुख लिया था, गर्व का, महानता का सुख लिया था, वो तिरोहित हो गया, उड़ गया, बल्कि वो अपमानजनक स्थिति बन गई, हास्यास्पद स्थिति बन गई। ऐसे जल्दबाजी में संगति लगा करके सुख लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकारी है ये। देखो हमारे ऋषियों ने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। ऐसे ही ईथर के लिए हुआ था, उन्होंने ईथर नाम का एक तत्व जो पहले मानते थे ईथर, ओ इसकी तुलना आकाश तत्व से, बिल्कुल आकाश के जो लक्षण हमारे लिखे हैं वो ईथर जैसे ही हैं बिल्कुल। और फिर बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ईथर विथर कुछ नहीं होता है, अब कहा जाएंगे, लिखा भी है उदयवीर जी ने। तो सत्वरस्तम की खूब संगति लगा रखी है, जिनके पास उदयवीर जी की पुस्तक है पीछे देखना परिशिष्ट में, और आकाश की भी संगति लगा रखी है, पर उस समय उन्होंने नकारना शुरू कर दिया था ईथर को, तो बोले बहुत अच्छी संगति लग रही थी, पता नहीं वैज्ञानिकों ने क्यों ईथर को मानना छोड़ दिया। ऐसे ही आज भी बहुत से लोग विज्ञान को पकड़ के और जैसा यहां लिखा है उसको वहां घटाएंगे, वेद को भी घटाएंगे, इसको भी घटाने का प्रयास करते हैं ना। ठीक है, कुछ दिन के लिए खुशफहमी हो सकती है कि हाँ संगति लग गई, हमारे यहाँ विज्ञान है और बिल्कुल वही है जो आज का विज्ञान कह रहा है वो हमारे यहाँ है, अंतिम चीज हो तब तो ठीक है, पर लेकिन सावधानी रखनी चाहिए, वही पलट जाएंगे तब आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या है, अब थोड़ी देर के लिए खुश हो लोगे नई पीढ़ी के सामने, देखो वेदों के अंदर भी विज्ञान है, आधुनिक भी चीजें जो आज भी हैं वो वहां भी हैं। ऐसे ही केवल ये भी एक तरह का लोभ होता है, अहंकार होता है, अपने मत का राग होता है ये। अब मत का राग सबसे बड़ा राग होता है, घर परिवार का राग उतना नहीं होता है, देश का राग उतना नहीं होता, अपने शरीर का राग भी उतना नहीं होता जितना अपने मत का राग होता है। अंतिम राग जो छूटता है वो बुद्धि वाला छूटता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, सत्व मतलब मन बुद्धि, और वहां जो एकत्व का है वो ज्ञान का एकत्व है, वो बुद्धि का एकत्व है, वो ही सबसे अंतिम मोह है, वो राग सबसे बड़ा होता है, तो वो उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं व्यक्ति। और वेद की महानता सिद्ध हो रही हो तो जैसे हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल हो गया, हमने तो वेद को सब जगह स्थापित कर दिया, प्रशंसित कर दिया, तो हमारा जीवन तो सफल हो गया, सार्थक हो गया, ऐसी हमारी भावना रहती है। तो ऐसे तुलना नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी। उन्होंने इसका नाम भी ब्रह्म तत्व दिया है। ब्रह्म तत्व नहीं, वो तो हमने कर लिया, उन्होंने तो गॉड पार्टिकल दिया है, अब हमें गॉड में तो कुछ और दिखाई देता है, भारतीयता नहीं है ना गॉड में, कोई दूसरा धर्म दिखाई देता है, वहां पर दूसरे धर्म का भगवान दिखाई देता है, तो उसकी जगह अपनत्व लाने के लिए, भारतीय संस्कृति लाने के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए हम ब्रह्म बोल दिया, हमने ब्रह्म तत्व बोल दिया, ये तो शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। और वहां गॉड पार्टिकल का भी मतलब गॉड यानी परमात्मा, सृष्टि का रचयिता वो नहीं, वो मूल तत्व केवल उस रूप में। अब गॉड पार्टिकल को खोज लिया मतलब तो गॉड को खोज लिया, इस रूप में जो व्याख्यान अभी समाचार पत्रों में और चैनलों पे जो आता है वो तो अलग ढंग से व्याख्याएं होती हैं, वो तो भावनाओं से युक्त और लोगों को और इधर उधर उस पे नहीं जाना, वो तथ्य अलग चीजें होती हैं, होता कुछ है, प्रस्तुत कैसे करते हैं, लोगों की भावनाओं को अनुरूप करने के लिए कुछ प्रश्न उठा के, आश्चर्य कौतुक, वो इन सब चैनलों में चलता रहता है ऐसी चीजों पर, खास तौर से ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं। लेकिन उनसे मूल वालों से पूछो क्या आप इसी को ब्रह्म तत्व मानते हो, वो तो नहीं मानते, ब्रह्म तत्व तो नहीं मानते, वो ब्रह्म की यहां व्याख्या अलग है, उनका अलग है, वो गॉड पार्टिकल।
तो खोज चल रही है, इतना हम कह सकते हैं कि मूल तत्व को वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं, ये अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाव से ही भाव की उत्पत्ति होगी, ये अटल है, ये हमारा पहले से स्पष्ट है, और वो भी कहते हैं तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। और नाश होने पे भी भाव रहता है, ये भी ठीक है, ये नाश कारण लय बहुत स्पष्ट है पहले से, इसको वैज्ञानिक कहते हैं, इसको ये चीजें स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें नई नई आती हैं, अभी स्थापित नहीं है, परिकल्पना रूप में है, अभी अनुसंधान चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, उन चीजों को लेकर के जल्दबाजी में नहीं ले लेना चाहिए। ठीक है, तो नाशह कारण लय, आगे चलेंगे। अब इन्होंने बात रखी, भूमिका बना रहे हैं अगले सूत्र की, कि अगर आपने कहा कि नाश का मतलब पूरी समाप्ति नहीं होती, वो अपने कारण में लीन होता है, फिर वो जो चीज है वो भी नष्ट होगी, वो अपने कारण में लीन होगी, तो ये कैसे हम मानेंगे, क्या आगे तक कैसे कैसे हम सोचते जाएं, कैसे हमें सोचना चाहिए, और अंत तक जाकर के हम कैसे रुकेंगे, तो उसको समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण देते हुए अगले सूत्र में कहा, बोलिए, पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत्। अब मिट्टी घड़ा टूटा और मिट्टी बनी, तो हम क्या ये मान लें कि मिट्टी आदि कारण है, घड़े का तो कारण है, लेकिन ये क्या मूल कारण है, इस पर पहुंच जाएंगे हम। टेबल कुर्सी टूटी और लकड़ी के टुकड़े हैं, तो हम कहेंगे भाई ये आदि कारण है, मूल कारण है, नहीं, इतने मात्र से मूल कारण का पता नहीं लगता। उसमें क्या करना होता है कि ये जो चीज टूटी है, बिखरी है, उसको वो जिसमें बदली है उसको फिर और करो, फिर क्या उसको अंतिम मान ले, नहीं, फिर उसको और करो, ऐसे करते 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 अंतिम जो कण आएगा वो आदि कारण माना जाएगा। एक चीज नष्ट हो गई और जिस रूप में वो परिवर्तित हुई वो अंतिम है, ऐसा निर्णय नहीं कर लेना, इस कार्य का तो वो कारण था लेकिन वो आदि कारण था, ऐसा नहीं सोच लेना है। तो कैसे, पारंपरिये तो अन्वेषणा, उसमें अन्वेषणा करनी होती है, खोज अनुसंधान करना होता है परंपरा से, कि अच्छा इसके न्याश होने पर यह बनाए, अब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको भी विभाजित करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे परंपरा से अन्वेषणा करनी होती है, खोज करनी होती है, तब जाकर के अंतिम तक पहुंचते हैं। और ये कैसे, तो बोले बीजांकुरवत, बीज और उसका अंकुर यानी पौधा उसके समान। अभी जो पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं उसका कारण क्या, बीज, और उस बीज का कारण क्या, उस बीज का कारण क्या, उससे पहले वाला पेड़, तो बीज भी तो पेड़ से ही आया ना किसी, उसके पौधे से, फिर उस पौधे का कारण उससे पहले वाला बीज, उसका कारण उससे पहले का, तो परंपरा जाते 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 कहीं रुकेंगे या नहीं, कहां रुकेंगे, बोले ये तो कहीं भी नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, वही सृष्टि के प्रारंभ में कहीं तो रुकेंगे, प्रारंभ तो कहीं हुआ होगा, वो बीज से हुआ होगा, वो प्रारंभिक रचना जो परमात्मा ने की बीज की, वो पेड़ से नहीं हुई, वो सीधे परमात्मा के द्वारा हुई, वो बीज बने और बीज से वृक्ष बने, और फिर ये बीज और वृक्ष की परंपरा चलती 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 अभी चल रही है। तो हम पीछे 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 जाते जाएंगे तो मूल में कहां जाएंगे, बीच में, वहां। तो ऐसे परंपरा मानने पर भी अन्वेषणा करते 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 जहां जाकर के अंतिम होता है उसको मूल कारण कहेंगे। तो मूल बीज शुरू में एक रहेगा, यानी उस तरह के अनेक रहेंगे, उससे फिर और आगे बनते चले जाएंगे। ऐसा ही हमारे मनुष्यों के शरीर का है कि हमारी उत्पत्ति पूर्व स्त्री पुरुषों से, उनकी उत्पत्ति और पूर्व के स्त्री पुरुषों से, पीढ़ी पीढ़ी कहां कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, तो सृष्टि के आदि में फिर हमें मानना होगा जहां पहली बार बीजों से शरीर की उत्पत्ति हुई, वो ईश्वरीय व्यवस्था से होता है। अगर वहां भी हम पीछे पीछे जाते जाएंगे तो यह अनवस्था दोष होगा, कहीं ना कहीं तो रुकना होगा, सृष्टि बनी है वहां, सृष्टि के प्रारंभ में तो हमें कुछ ना कुछ मानना ही होगा। तो ऐसे ही यहां पर भी
कारण के पीछे कारण करते करते अन्वेषणा करनी होती है, तब जाके अंत तक पहुंचते हैं। ठीक है, आगे देखिए 123वां सूत्र। तो पीछे जो 119वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि कारण में कार्य होता है तो आपको उत्पत्ति क्यों कही आपने, और अगर आप अभिव्यक्ति मानेंगे और इसमें परंपरा से दोष आएगा कि उसका कारण क्या, उसका कारण क्या, तो उत्तर तो दिया लेकिन अब दूसरे ढंग से कहते हैं कि जैसे सूत्र बोलेंगे उत्पत्ति वद्वा अदोषः, जैसे उत्पत्तिवाद है उसके समान अभिव्यक्तिवाद में भी कोई दोष नहीं है। कारण कार्य की परंपरा जैसे उत्पत्तिवाद में हम मानते हैं, उत्पत्तिवाद का मतलब ये कि जो घड़ा उत्पन्न हुआ है वो घड़ा पहले मिट्टी में नहीं था, मिट्टी तो थी लेकिन घड़ा नहीं था, वो नई चीज उत्पन्न हुई है। वस्त्र उत्पन्न हुआ तो पहले उत्पन्न हुआ ये पहली बार, तंतु में वस्त्र नहीं था, तंतु तंतु ही था, धागा धागा ही था, और धागा भी कपास के रेशे से बनाए तो कपास का रेशा धागा नहीं था, वो कपास का रेशा ही था। ये उत्पत्तिवाद है, इसमें भी कारण कार्य परंपरा से हम पहुंचते हैं, तो बोले यही बात अभिव्यक्तिवाद में है। तो जैसे उत्पत्तिवाद में आप दोष नहीं मान रहे हो, ऐसे ही अभिव्यक्तिवाद में भी दोष नहीं है, केवल कहने का तरीका है, शैली अलग अलग है, बाकी तो एक ही प्रक्रिया है, कोई उसमें दोष नहीं है। अगला सूत्र 124वां। अब ये कार्य द्रव्य का लक्षण बता रहे हैं, ये परंपरा से इससे हम मानते जाएंगे ये कार्य का कारण ये, इसका ये, इसका ये, आखिर हमें पहचान कैसे होगी कि ये कार्य द्रव्य है और ये कारण द्रव्य है, कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या है कार्य द्रव्य का। अब जो कार्य द्रव्य नहीं है तो वो कारण द्रव्य है, तो कार्य द्रव्य का लक्षण क्या है वो 124वें सूत्र में कहा, बोलिए। हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। जो अंत में शब्द है लिंगम, इसका मतलब है लक्षण या चिन्ह, जिसके द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान होता है, निश्चय होता है, उसको लिंग कहते हैं। कार्य वस्तु को देख करके कारण का अनुमान करते हैं जैसा कि पीछे कहा, तो इस कार्य वस्तु को यहां पर लिंग शब्द से कहा गया है, क्योंकि कार्य को देख करके हमें कारण का अनुमान होता है। जैसे फसल में अच्छा अन्न उत्पन्न हुआ है तो बीज अच्छा है, अच्छी फसल आई है तो हम उसके कारण का पता लगते हैं, इसका अच्छे बीज, इसका बीज भी अच्छा होगा इत्यादि। तो यहां लिंग का मतलब है कार्य द्रव्य, उससे कारण का हमें पता लगता है। तो कार्य द्रव्य है कैसा होता है, तो पहला दिया हेतु मत, हेतु कहते हैं कारण को, वो कारण वाला होता है। कार्य द्रव्य हमेशा कारण वाला होता है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य रहेगा, वो उपादान कारण कार्य द्रव्यों का अवश्य होगा, निमित्त कारण भी कोई ना कोई होगा उसका। जिसका भी हमें कारण दिखाई दे रहा है इसका मतलब है ये कार्य है, निश्चय हो जाएगा। तो हेतु मत एक तो कारण वाला होता है वो, दूसरा कहा अनित्यम, कार्य कभी भी नित्य नहीं होता, क्योंकि कार्य उत्पन्न होता है, उत्पन्न कहें या अभिव्यक्त कहें, उत्पन्न हुआ अभिव्यक्त हुआ दोनों ही दृष्टियों से उसका आरंभ है, उस आरंभ से पहले वो नहीं था अभी हुआ और कुछ समय बाद में वो समाप्त हो जाएगा, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। तो कार्य द्रव्य अनित्य होगा, जो जो वस्तु अनित्य है वो कार्य द्रव्य ही है, ये हम निश्चय कर सकते हैं। अनित्य वस्तु कभी भी मूल कारण नहीं हो सकती, नित्य वस्तु ही मूल कारण हो सकती है। तो हेतुमत और अनित्यम दो बात कही। तीसरा आगे कहा सक्रियम, वो क्रिया वाली होती है, या क्रिया का मतलब है क्रिया से उत्पन्न होती है वो। कोई भी कार्य द्रव्य बनता है
तो बिना क्रिया के नहीं बनता है, वहां कुछ ना कुछ क्रिया अवश्य होगी, चाहे कपड़ा बना, चाहे घड़ा बना, चाहे पुस्तक बनी, चाहे रोटी बनी, चाहे मकान बना, चाहे पेड़ बना, चाहे पृथ्वी बनी, चाहे तेल बना, कुछ भी बना, वहां क्रिया अवश्य होगी। बिना क्रिया के एक वस्तु उत्पन्न नहीं होती। इस दृष्टि से एक अर्थ यह है कि ये क्रिया से उत्पन्न होते हैं, और दूसरा उनमें परिणमन क्रिया होती है, बदलाव होता रहता है, कार्य द्रव्य में बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता है, इस रूप में वो सक्रिय है, अंदर परिणमन क्रिया होती रहती है, और इसके कारण से वो धीरे धीरे बदलते बदलते धीरे धीरे क्षीण होते हैं। सीधे सीधे उनमें वो हमें क्रिया दिखाई भले ही ना दे, लेकिन कालांतर में हमें परिलक्षित होती है। जैसे नया कपड़ा या नया घड़ा, नया मकान, वो पहले दिन है, दूसरे दिन भी हमें वैसा ही दिखाई देता है, तीसरे दिन भी वैसा ही दिखाई देता है, जबकि परिवर्तन तो उसमें तभी से प्रारंभ हो गया, बदलाव थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो गया है उसमें, लेकिन हमें कुछ महीनों के बाद में घड़ा लगता है कि हाँ ये पुराना हो गया, ये पहले जैसा नहीं है। परिवर्तन तो पहले ही दिन और पहले ही क्षण से हो रहा है उसमें, पर वो हमारी पकड़ में नहीं आता है। ये परिणमन क्रिया कार्य द्रव्य में सदा चलती रहेगी, ऐसा ही शरीर में भी है। हम जिन व्यक्तियों को प्रतिदिन देखते हैं उनमें परिवर्तन का ऐसा आभास हमें नहीं होता, छह महीने साल भर में हमें कुछ एकदम तेजी से बदले तो पता लगता है, नहीं तो अंतर नहीं लगता है, क्योंकि हम रोज उस नए नए बदलाव को देखते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति छह महीने साल भर बाद में आए तो देखे, तो जब हम कई साल बाद कई महीनों बाद में देखते हैं तो उस व्यक्ति में अधिक परिवर्तन लगता है, पिछले चित्र की अपेक्षा हमारा अलग होता है, पिछले वर्षों के चित्र की अपेक्षा हमारे चित्र बदल जाते हैं। तो कार्य द्रव्य में ये परिवर्तन होते ही रहते हैं, चाहे तीव्र गति से हो चाहे मंद गति से हो, उसमें परिवर्तन तो होते रहते हैं, तो वो सक्रिय होता है। तो हेतुमत अनित्यम सक्रियम। आगे कहा अनेकम, कार्य द्रव्य कभी भी एक घटक से नहीं बना हुआ होता है, उसमें अनेक घटक होते हैं, अनेकों से मिलकर के ही वो बना हुआ होता है। यदि किसी वस्तु के लिए हम कहें कि इसमें अंदर एक ही अवयव है बस और दो नहीं है, तो कभी भी कार्य द्रव्य नहीं होगा, वो कारण ही होगा। कार्य द्रव्य है तो वो एक से अधिक कणों घटकों अवयवों से मिलकर के ही बना होता है, तो अनेकम वो अनेक घटकों वाला होता है, एक कभी भी नहीं होता है, निश्चित है अनेकम। और फिर कहा आश्रितम, ये कार्य द्रव्य अपने उपादान कारण पर आश्रित होता है दूसरे पर, स्वयं अपने आप में स्वतंत्र स्वयंभू नहीं होता है, उसका अस्तित्व अपने आप में नहीं होता है, वो किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, अपने उपादान कारण पर आश्रित रहता है, निमित्त कारण जिसने उसे बनाया उस पर आश्रित रहता है, और कोई उसका उपयोग करता है उस पर आश्रित रहता है, स्वतंत्र नहीं रह सकता वो, आश्रितम लिंगम। तो कार्य द्रव्य में ये बताया हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम, ये गुण बता दिए। परमात्मा में, आत्मा में और मूल प्रकृति में ये चीजें नहीं घटेंगी, उनका कोई हेतु नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं होता वो नित्य होती है, हेतु ही नहीं है उनका कोई, वो नित्य होती हैं, वो परिणमनशील नहीं होती हैं, और वो अपने आप में एक ही तत्व होता है, अनेक नहीं होते हैं, और दूसरों पे आश्रित नहीं होते, वो अपने आप में स्वयं पे आश्रित होती हैं, दूसरों पे नहीं होती हैं, वो कारण द्रव्य कहलाते हैं, ये कार्य द्रव्य और वो कारण द्रव्य। अब इसमें किन्हीं को पूछना हो तो कुछ, अन्य कोई हो तो उन तक पहुंचा दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। आचार्य जी, आपने बताया कि कार्य वस्तु अनित्य होती है और कारण वस्तु नित्य होती है, और कारण वस्तु से कार्य वस्तु जब बनती है तो
वो उसका कारण नित्य रहता है। जैसे तिल में से तेल निकलता है, तो क्या तिल जो है वो नित्य रहेगा? नहीं, देखिए कारण वस्तु का मतलब कोई भी कारण वस्तु नहीं, मूल कारण जो है वो। अब तिल से तेल निकला तो इसका ये मतलब नहीं कि कारण अपनी जगह जू का तो रहेगा, क्योंकि तिल तेल का कारण तो है लेकिन वो स्वयं भी कार्य है, उसका कारण भी कुछ और है। तो जो अन्य कार्य द्रव्यों का कारण होता है लेकिन उसका भी कोई कारण होता है, वो तो बदलेगा ही ऐसे, ये उसके लिए वही तो आदि मूल कारण के लिए कहा जा रहा है, वो नित्य ही होता है। बीच के जो होते हैं वो तो नष्ट होने वाले होते हैं, जो कारण और कार्य दोनों होते हैं वो तो नष्ट होने वाले होते हैं, क्योंकि तिल भी कार्य ही है अपने कारण की अपेक्षा से। कुछ जी आप पूछो। सक्रिय में आपने दो चीजें बताई हैं, एक तो क्रिया से उत्पन्न होता है और एक क्रिया वाला होता है, तो दोनों ही लेने होंगे? दोनों ले लेंगे, ये दोनों तरह से व्याख्या होती है इसकी, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। पूछिए। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि जो नित्य पदार्थ जो कारण द्रव्य होते हैं, नित्य पदार्थ जो कारण द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं वो नित्य होते हैं, साथ ही साथ वो स्वाश्रित होते हैं, एक ही घटक होते हैं। तो यहाँ कुछ असंगति आ रही है कि हम मूल प्रकृति को से जो कारण प्रकृति बनती है, मूल प्रकृति को हम एक ही द्रव्य मानते हैं जी, और उसमें फिर तीन कण होते हैं, ऐसे कैसे? देखिए मूल प्रकृति जो हम कहते हैं कि वो एक है, वो वास्तव में एक नहीं है, उसमें तीन घटक हैं, ये पहले से स्पष्ट है, सत्व रस तम, और सत्व रस तम में भी सत्व के भी बहुत कण हैं, रज के भी बहुत कण हैं, तम के भी बहुत कण हैं, वो जो सब ये अलग अलग कण हैं वो नित्य हैं। प्रकृति नाम का कोई एक कण या एक तत्व नहीं है, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं वो एक संज्ञा है, नाम है। सत्वरस्तम के समस्त कणों का जो एक संघात है, समूह, वैसे ही बस, कोई नया कार्य नहीं उत्पन्न हुआ, बस उसके समूह को, उसकी सामूहिक संज्ञा प्रकृति कही गई है। तो यहां जो नित्यता देखनी होगी वो सत्वरस्तम में, और सत्वरस्तम के भी सत्व के भी जितने भी कण हैं अलग अलग, सत्व नामक जितने भी कण हैं, और ऐसे ही रज और तम के जिसके अपने अपने जो जितने कण हैं वो नित्य हैं, वो अविभाज्य हैं। इस पूरे वर्गीकरण को मिला के एक प्रकृति नाम से कहते हैं, इसलिए तीन चीजें अनादि या नित्य हैं हम ये कहते हैं। जब प्रकृति, तो हमें ये समझ लेना चाहिए, ये सारी व्याख्या हम देख ही रहे हैं, ये प्रकृति का मतलब कोई एक ही चीज नहीं है। ईश्वर के संदर्भ में ठीक है कि वो एक ही है बस, आत्मा के संदर्भ में भी ऐसा नहीं है, आत्माएं भी बहुत हैं, तो सब अपने आप में एक एक आत्मा नित्य है, और प्रकृति के तीनों कण और तीनों के भी जो जितने अपने अपने कण हैं वो अपने आप में नित्य हैं, ये तात्पर्य है। कुछ आचार्य जी, कण तत्व और घटक है, ये पर्यायवाची हैं या इनका अलग अलग अर्थ है? पर्यायवाची भी हैं। कण का मतलब तो हो गया कुछ द्रव्य, छोटा छोटा द्रव्य। तत्व मतलब वो मूल चीज, वो कण रूप में ही होती है, और घटक इसलिए कहा जा रहा है कि जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसके ये अवयव होते हैं, अनेक चीजें मिलकर के बनते हैं। जैसे एक दवाई बनती है, मान लो उसमें पांच घटक हैं, त्रिफला चूर्ण है उसमें तीन घटक हैं, तीन तरह की औषधियां हैं, सप्तामृत लोह है तो उसमें सात घटक हैं, ऐसे। तो घटक मतलब उसके जो अवयव हैं, तो ये ही जो मूल तत्व है ये घटक भी हैं सारे संसार के, ये कण रूप में भी हैं, ये तत्व भी हैं, तो ये नामकरण तो हम इनका कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कुछ ओम आचार्य जी, जो हेतुमत अनित्यम यह सिद्धांत है,
ये इसी सूत्र से निकला है, जो हेतु वाला होता है वह अनित्य होता है, क्योंकि हम पहले बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं जी। अगर हेतु मत कह दिया, जब अनित्य पहले से ही सिद्ध हो, तो ये अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर यदि इस सूत्र से ही सिद्धांत निकालना था तब तो ठीक है। इसी सूत्र से ये सिद्धांत निकलता है, जो सामान्य भाषा में हम बोलते रहते हैं जी, कि कार्य द्रव्य हमेशा कारण वाला होता है, हेतु वाला होता है, एक दृष्टि है जी। और उसको आप अनित्य कहें, वैसे हेतु मत कहा, इतने से भी अनित्यता सिद्ध होती ही है जी, लेकिन एक दृष्टि है, एक भिन्न दृष्टि से कहा जा रहा है। जब ये कहा जा रहा है कि ये हेतु वाला है, यानी इसका कोई ना कोई कारण है, कारण है इसका कोई ना कोई, और कारण है मतलब, तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखिए जी, कि इसकी उत्पत्ति हो रही है, कारण वाला मतलब उसकी उत्पत्ति हो रही है। और जब हम कहेंगे अनित्य है, मतलब ये सदा रहने वाला नहीं है, ये नाश की बात को बता रहा है, तो वो उत्पत्ति वाला होता है, वो नाश वाला होता है, तात्पर्य पीछे हम ये ले लेंगे, लेकिन उत्पत्ति और नाश नहीं कह करके भिन्न शब्द है, कि उस उत्पत्ति हमें दिखाई नहीं दे रही, मान लो उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, पता नहीं, लेकिन जिसका कारण है बस वो कार्य ही है, कारण जिसका भी मिल रहा है वो कार्य है, और वो ठीक है उत्पत्ति वाला है, वो अनित्य है, वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन यहां अलग अलग ढंग से कही है जी। ठीक है जी, जी ओम। ठीक है, आगे चलिए। तो जब कार्य का ये इन्होंने लक्षण बताया, कार्य द्रव्य कैसा होता है, कुछ संकेत दिए जिससे हमें पता लगता है, तब ये बात आई कि कार्य तो बहुत सारे होते हैं, हमें ये कैसे पता लगे कि इसका कारण ये है, किसी कार्य का कौन सा कारण है ये हमें कैसे पता लगता है? इस कार्य का कोई ना कोई कारण है ये तो पता लगता है, ठीक है, लेकिन इस कार्य का ये कारण है, इस कार्य का ये कारण है, इस घड़े का कारण मिट्टी है, इस कपड़े का कारण धागे हैं, ये हमें कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है? तो ये तो सामान्य से बोल देंगे कि भाई उस कार्य को देख के ही पता लग जाता है, भाई तांबे का घड़ा है, घड़ा दिख रहा है तो तांबा देख, तो तांबे का बना हुआ है, सोने का कुंडल है, चांदी का कुंडल है, पता लग रहा है, वैसे ये कपड़ा है सूती धागे से बना है या रेशमी धागे से बना है, और कपड़े से ही पता लगता है। तो वो कुछ बातें यहां पर बताई जा रही हैं कि हमें पता कैसे लगता है। तो 125वां सूत्र बोलेंगे, अंजस्याद अभेदतोवा गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि ही प्रधान व्यपदेशाद्वा। तो पहला तो उत्तर दिया अंजस्यात, अंजस्य कहते हैं अनायासी, बिल्कुल सरलता से, बोले कार्य को देख के ही पता लग जाता है कि इसका क्या कारण है, रोटी को देख के ही पता लग जाता है कि गेहूं की है या बाजरे की है, उसमें कोई कठिन तो नहीं, तो सरल है। तो अंजस्यात, सरलता से, कार्य को देख के ही हमें पता लग जाता है ये किस चीज से बना है, भाई इस वाहन की का शरीर बॉडी जो है ये लोहे की बनी हुई है या प्लास्टिक की है, और उसको ही देख करके पता लग जाता है, ये दरवाजा लकड़ी का है या लोहे का है, तो दरवाजे को देख के ही पता लग जाता है। तो पहला तो कार्य को जब हम सरलता से देखते हैं उसी से कारण का पता लग जाता है। दूसरा, अभेद तो वह गुण सामान्य दे है, जो सामान्य गुण है उनका अभेद देख करके, सामान्य गुणों का अभेद देख करके भी हमें पता लग जाता है ये किससे है। अब मिट्टी के घड़े को देख करके उस घड़े में मिट्टी के कुछ गुण हमें दिखाई दे जाते हैं ना, कुछ गुण, लेकिन घड़े के अपने भी विशेष गुण होते हैं, घड़े के अपने भी गुण होते हैं ना जो मिट्टी में नहीं होते हैं, उसका जो आकार प्रकार है, पानी को रोक रहा है, ठंडा कर रहा है, इसलिए इन्होंने गुण सामान्य शब्द का प्रयोग किया, वो विशेष नहीं। ऐसा कोई नहीं समझे कि कारण के जितने गुण है वो सारे के सारे कार्य में रहते हैं,
या यूं कहो कि कार्य में जितने भी गुण दिखाई दे रहे हैं वो कारण में भी होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। कार्य में जितने गुण है वो सारे के सारे कारण में हो, ऐसा नहीं। कार्य के अपने कुछ विशेष गुण हो जाते हैं, लेकिन जो सामान्य गुण है उनमें अभेद होता है, वो एक जैसे होते हैं। इससे भी हमें पता लग जाता है क्या इसमें जो ये कुछ गुण दिख रहे हैं ये तो मिट्टी में है, तो ये मिट्टी का घड़ा है, ये चीनी मिट्टी का है, इसमें कुछ ये अलग गुण दिख रहे हैं, इसमें ये सोने का है, ये तांबे का है, ये हमें पता लग जाता है। तो गुण सामान्य के अभेद से भी हमें कारण का पता लग जाता है, किसी वस्तु का, किसी वस्तु के कारण का पता लग जाता है। तो अंजस्याद और अभेद तो वह गुण सामान्यादे तत्सिद्धि ही, उसकी सिद्धि होती है, यानी कारण की सिद्धि होती है। अब इस कार्य जगत को देख करके जो मूल प्रकृति सत्वरस्तम है उसका भी ऐसे ही भान हमें होता है। सत्वरस्तम का हमें पता है कुछ, हम कह सकते हैं कि देखो सत्वरस्तम के कुछ सामान्य गुण यहां भी दिखाई देते हैं, यानी प्रकाश दिखाई देता है, इसमें क्रिया दिखाई दे रही है, इसमें जड़ता दिखाई, स्थिरता दिखाई दे रही है इत्यादि। देख कुछ गुण सामान्य यहां दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लगता है कि ये सब त्रिगुणात्मक है सामान्य गुणों से, और जो विशेष जानते हैं वो देखते ही बताएंगे, नहीं ये इसमें भी सत्वरस्तम है, जिसको सत्वरस्तम का विस्तार से अच्छी तरह पता है वो देखते कहेगा ये इसमें तो वो गुण दिखाई दे रहे हैं मुझे, यानी उस तरह का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो सहजता से पता लग जाएगा या गुण सामान्यों से पता लगता है कि सारा संसार तीन तत्वों से मिलकर के बना है, सत्वरस्तम से बना है। और एक बात बताई, प्रधान व्यपदेशात्वा, तो मूल प्रकृति को प्रधान शब्द से कहा गया, उसका एक नाम प्रधान भी कहा गया, तो प्रधान का मतलब एक मुख्य भी होता है, लेकिन ये प्रधान का मतलब क्या है, जिससे आरंभ होता है, प्रधीयते प्रध्रियते प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात्, कार्य द्रव्य का रूप जिससे प्रारंभ होता है उसको प्रधान कहते हैं। तो इसका जो नाम प्रधान रखा गया इससे भी पता लगता है कि ये मूल कण है, यहीं से प्रारंभ हुआ है, सबसे शुरुआत यहां से हुई, इसके नाम से भी पता लगता है, शास्त्रों में इसको प्रधान नाम से कहा गया, उससे भी हमें बोध होता है कि यही मूल चीज है। तो अंजस्यात एक बात हुई, अभेद तो वह गुण सामान्यादेह दूसरी बात हुई, और प्रधान व्यपदेशात वह तत्सिद्धि, उस मूल प्रकृति की प्रधान की सिद्धि होती है, इसका आदि कारण क्या है, हो गया। आगे देखिए, अब मूल प्रकृति और कार्य का बोलिए। ओम, प्रधान शब्द का प्रधान व्यपदेशाद्वा संस्कृत की पंक्ति एक बार बोले। हाँ, उसके लिए प्रधानमिति प्रधीयते, प्रधीयते उसी को खोला प्रध्रियते, इसको खोला प्रारभ्यते, व्यक्ति रूपम यस्मात, व्यक्ति मतलब प्रकट रूप, जो कार्य द्रव्य है उसका रूप जहां से प्रारंभ होता है, प्रधीयते प्रध्रियते प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात तत्प्रधानम, तो ये प्रधान नाम से भी इसका पता, ये शाब्दिक दृष्टि से इसका कथन एक हेतु दिया गया। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। अब ये जो दो बातें हैं, प्रकृति, मूल प्रकृति और कार्य द्रव्य, इन दोनों की कुछ और विशेषताएं यहां पर बता रहे हैं। 126वां सूत्र बोलिए, त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः, ये जो दोनों हैं मूल प्रकृति और ये जो कार्य जगत है, इसमें क्या समानता है, एक तो कहा त्रिगुण, मूल प्रकृति भी त्रिगुणात्मक है, तीनों गुण वहां पर है, और ये जो कार्य द्रव्य है ये भी त्रिगुणात्मक है, ये समानता है दोनों में। जो पीछे गुण सामान्यात कहा था, अभेद तो वह गुण सामान्यादे, तो उसमें कुछ समानता बताई जा रही है कि त्रिगुणात्मकता मूल प्रकृति की भी है, वो भी त्रिगुण है, और ये कार्य जगत भी त्रिगुण है, एक बात। और दूसरा कहा अचेतनत्वादि, अचेतनता यानी जड़ रूप, जड़ होना, ये मूल प्रकृति में भी है और कार्य में भी है।
अभी आपका हमारा तो ये समझा हुआ है कि प्रकृति जड़ है, इसलिए हमें ये बहुत सामान्य लगता है कि ये क्या नई बात है, ये तो ठीक है, मानते ही हैं, हम स्वीकार ही करते हैं। लेकिन इसको अन्यों की दृष्टि से आप देखिए, बहुत से लोग प्रकृति को चेतन ही मानते हैं और बहुत से लोग इस कार्य जगत को जड़ मानते हुए भी इसका उत्पादक कारण जो है मूल, उसको चेतन मानते हैं। जैसे ब्रह्म से इसकी इसका निर्माण जो मानते हैं तो ब्रह्म तो चेतन मानते हैं, अब ये कार्य जगत है, ये जड़ कार्य जगत उत्पन्न हुआ, तो मूल कारण को चेतन मानेंगे, कार्य को जड़ मानेंगे, अथवा इस कार्य जगत को भी चेतन मानते हैं, इन जड़ वस्तुओं को भी चेतन मानते हैं, इस तरह के मानने वाले भी बहुत हैं। तो वैदिक सिद्धांत ये है, सांख्य दर्शन का सिद्धांत ये है कि दोनों में, यानी कारण हो चाहे कार्य हो, कारण प्रकृति और कार्य जगत, ये दोनों त्रिगुणात्मक हैं और अचेतनत्व है इनमें, ये चेतन नहीं है, चेतन तो इससे भिन्न है। और जो वहां 24-25 तत्व गिनाए उसमें 24 तत्व वो अचेतन की श्रेणी में आएंगे, पुरुष एक है वो चेतन में आएगा, एकदम स्पष्ट सिद्धांत है, अद्वैत नहीं है, द्वैत है, त्रैत है, तो अचेतन त्रिगुण त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो हो आदि से फिर हम इसमें और चीजें भी ले लेते हैं, उसके अंदर अन्य जो जड़ वस्तुओं के गुण हैं उनको भी हम उसमें ग्रहण कर सकते हैं। बोलो, यदि इसमें 24 गुण इसको ब्रह्म कहेंगे, सिर्फ प्रकृति को ब्रह्म या ब्रह्म प्रकृति को ब्रह्म ब्रह्म नहीं कहेंगे, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आएगा, वो चेतन है, फिर उसमें जो ज्येष्ठ है ब्रह्म, कनिष्ठ है ब्रह्म, ये कैसे, वो या ब्रह्म अलग प्रश्न आप नहीं उठाइए, इससे संबंधित केवल लीजिए, इसको ब्रह्म नहीं कहेंगे, ब्रह्म ज्येष्ठ ब्रह्म वो परमात्मा है, अब इसको हम ब्रह्म कह देंगे वो कि भाई ये बड़ा है इस रूप में, अब शब्द बदल गया, ब्रह्म शब्द का मतलब यदि बड़ा लें तो ठीक है, वो तो बहुत चीजों को बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रचलित मान्य शब्द है ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए, उस दृष्टि से इस प्रकृति को ब्रह्म नहीं कहेंगे, चेतन नहीं कहेंगे, तो शबल संसार को नहीं कह सकते, नहीं कुछ नहीं, एकदम स्पष्ट सिद्धांत है, ऐसा कोई संदेह नहीं है इस बात का, मूल प्रकृति जड़ थी, जड़ से ही अचेतन थी, अचेतन से ही ये कार्य जगत अचेतन बना है, एकदम स्पष्ट सिद्धांत है।